हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने एक वीडियो शूट किया था, वो शायद पहले आया बाद में, आई डोंट नो। तो सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो। और प्रदोष भी व्रत चलता है, इसमें प्रदोष का व्रत भी होता है। प्रदोष डे वाइज पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं सावन में या सोमवार को सोमवार इस प्रदोष लोग होती है, मतलब डे वाइज उसका अलग अलग है। कभी हुआ तो मैं इस जो आध्यात्म वाला उसमें कभी और जाएंगे। तो आज का जो दिन था मंडे, पिछला मंडे ट्राई किया था, पर पिछले हफ्ता नहीं, मैं कहूँगी 15 दिन से कोई भी वीडियो मेरे को मन से नहीं शूट ही नहीं किया। तो मन तो क्या होगा, एक वीडियो मैंने जयपुर वाला जैसलमेर वाला डाला था, वो पिछला था जो कि मैंने नहीं डाल पाई थी। उसमें भी थोड़ा और बाकी एक पार्ट वो और मैं डालूंगी, बट उससे पहले अभी थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने काम शेयर कर लेते हैं। और देखिए, मैं अभी तक थ्रेडिंग भी नहीं करवाई क्योंकि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। और आज जो है मैं रोज़ मैक्सी में रहती हूँ, तो आज मैंने ये राजस्थान की राजपूती ड्रेस पहनी है, तो उसमें आपको दिखेगा भी नहीं, तो वो मैंने पहना है। कुछ अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कल जो था ना, वेदर बहुत बढ़िया हो गया था। संडे के दिन लोग जो थे मौसम का मज़ा लेने पिकनिक वगैरह भी गए थे। पिकनिक आसपास मतलब छोटी मोटी जगह पे चले जाते हैं क्योंकि धूप में निकलना पॉसिबल नहीं होता। और पिछले जब से दिल्ली देहरादून वगैरह बारिश हो रही है, तो हमारे यहाँ धूल की बारिश हो रही है। एक मिनट, ये एसी जो है ऑफ हो गया है, तो धूल की बारिश हो रही थी। और कल जो था ना, मौसम एकदम इतना बढ़िया था, मतलब हम लोग सिर्फ पंखे में थे, तो बहुत अच्छा था। पर संडे को शूट करना था, लेकिन अच्छे मौसम की वजह से मैंने कल बहुत देर तक सोया, और सोती रहती हूँ अक्सर अक्सर, मतलब यूँ नहीं है कि काम करा तो फिर रेस्ट हो जाता है। और कुछ दिन ऐसा था, यूट्यूब इन सब से थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस बना लिया था। वन ऑफ माई फ्रेंड प्राची है ऑल्सो हैज़ टोल्ड कि ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये भी एक बात थी कहीं पर इतना नहीं था। एक ये था कि मन ही नहीं कर रहा था कि मैंने बनाना तो दूर, मैंने वीडियोस देखे भी नहीं, किसी के बहुत ज़्यादा नहीं देखे। और मतलब मोबाइल देखने का ही आप ही मन नहीं कर रहा था, तो ऐसी स्थिति आ गई थी। अभी भी सोचा कि कनेक्ट होने के बाद मैं फिर वीडियो शूट करती हूँ, कुछ नया। और शिफ्टिंग का जहाँ तक सवाल था, शिफ्टिंग अभी नहीं हुई है मेरी। शिफ्टिंग धीरे धीरे का मतलब इन द सेंस ऑफ कुछ चीज़ें, सामान वगैरह जो भी पड़ा है वो जाना बाकी है, क्योंकि जब एकदम फ्री हो जाता है कोई चीज़ तो फिर अच्छे से उसे करने में ठीक लगता है। कुछ थोड़ा अल्ट्रेशन अभी नहीं, क्योंकि बारिश चल रही है, यहाँ नहीं लेकिन आसपास बारिश हो तो जो मज़दूर वगैरह आते हैं वो थोड़ा दूर गाँव से आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए भी थोड़ा सा पोस्टपोन में है। सामान धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। और दूसरी बात कि जो प्रॉपरली हम लोग शिफ्ट होंगे, जहाँ तक मैंने डिसाइड किया है वो नवरात्र में, कि नवरात्र से हम रसोई नीचे कर लेंगे, होप्स अगर भगवान ने चाहा तो हम वहीं से शुरू करेंगे। तब तक धीरे उसको फिर उन्होंने शूट, जब तक मैं पूरा प्रॉपर ढंग से लेके ना जाऊँ उसलिए शूटिंग कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और दूसरा, आज जो हमने किया, कल संडे था, कल के दिन हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, वो मैंने शूट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और कल हमने एक नया मंदिर शिवजी का ढूंढा है, वहाँ हम गए थे पिछले 5 साल में। इनको तो कब से रह रहे हैं इनको भी नहीं पता था वो मंदिर है, तो हम लोग वहाँ गए थे। और आज भी हम वहाँ गए थे, रेयरली नहीं। और फिर उसके बाद जिस मंदिर में रोज़ जाती थी हमेशा, वो बंद के ऑटोमेटिकली हम वहाँ पहुँच गए, तो मुझे कम से कम 3-4 टेम्पल्स में हम लोग होकर आ गए, तो मन को थोड़ा अच्छा लगा, दिल शांत हुआ। तो इच्छा हुई कि वीडियो क्या बातें कर लेते हैं। तो ये इस वीडियो के आगे मैं कुछ जो मैंने कल किया और आज जो थोड़ी बहुत घटना हुई है वो मैंने शूट कर दिया है, तो वो आपको देखना है। और बहुत सारे लोगों ने सजेशंस दिए थे, लेकिन मैं कभी उस पर फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न क्या है वो पता नहीं होता है, क्योंकि किसी ने कहा मेकअप में चले जाओ, मेकअप भी उसके लिए ट्यूटोरियल, मतलब बेसिक हम लोग करते हैं, पर ठीक है थोड़ा टाइम दो यार, उसके बाद होगा। अभी जो है जैसा आता है प्लीज़ आप उसे देखो, कमेंट करो। नो डाउट कमेंट जितने भी आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मेंटेन करने की, प्लस मैं उन सारी रिक्वेस्ट को पूरा करने की ये सारी कोशिश मैं करती हूँ। तो यस, अभी जो आगे आने वाला है वो आप देखेंगे। मेहंदी लगाई थी, हट गई है। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को, ओ माय गॉड लाइट गई, और ये मैंने राजपूती ड्रेस पूरा पहना है। और यार जब आप वेट लूज़ करते हैं तो आपको कपड़े पहनने का भी पूरा आनंद आता है, अच्छा लगता है। होप सो कि मैं थोड़ा सा और वेट लूज़ कर पाऊँगी, तो लग रही हूँ पूरी मारवाड़न में भी। और ये एक ही ड्रेस है मैंने बनवाने का सोचा है। और मंदिर जाने के लिए चीनी शक्कर का लड्डू है यहाँ पे, पता नहीं कौन सी शक्कर का बनाते हैं, तो इसको मैं मंदिर लेके चल रही हूँ। पॉलिथीन में मैंने सिर्फ दिया वो बत्ती का वो रख लिया है, पूरा एक टिफ़िन में रखते हैं हम लोग। और ये लेके चलेंगे मंदिर में। मंदिर पहुँच गए हैं, इससे पहले का जो वीडियो वो बाद में दिखाऊंगी मैं। तो अच्छा लगा मुझे ये मंदिर। और बेसिक देखिए कितना, मतलब एक किसी प्रतिबिंब को देख के अच्छा लगता है, वो वाली फीलिंग थी। और ये जो मंदिर था इसमें यह है कि ना तो भीड़ भाड़ रहती है ना कुछ, आराम से आप पूजा करो। दूसरे पुजारी जो है वो चाबी छोड़ के जाता है, जब आप अपने मर्जी से जाओ, खोल लो, पूजा करो, घूमो फिरो और फिर चले आओ। लॉक लगा के पर्टिकुलर प्लेस बताया, वहाँ पे की रख देनी है। और मतलब इतना आस्था है, विश्वास के सहारे कि भगवान के भरोसे छोड़ता है पूरा मंदिर। देखो सामान तो फिर भी पड़ा ही हुआ है ना, सुनसान इलाका, अगर कोई चोरी करना भी चाहे तो। बट ये कि अच्छी बात है, ईश्वर पे विश्वास है और लोगों ने उस विश्वास को कायम किया हुआ है, तो ऐसा ही होना चाहिए आगे। कुछ जो मंदिर जैसे जैसे जितने विशाल बहुत बनाते हैं उतने ही मंदिर में मुझे मतलब एक फीलिंग नहीं आती है। और अच्छा लग रहा था मुझे कुल मिला के यहाँ। और जो रूप है शिवलिंग का वो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझको, और मेरे ख्याल सभी को लगता है। और ये एक रूम बना हुआ है पीछे, उनका सामान वगैरह, व्हील चेयर भी है। और ये सामने ईश कवर का रखा हुआ, मैंने बताया था इसमें यहाँ पे ईश कवर छोड़ के आते हैं इन पहाड़ों पे, तो यही ईश कवर मंदिर में है, क्यों है ये नहीं पता। और ये एक प्लेटफॉर्म बना के भगवानों की तस्वीरें वगैरह रखी हुई, पूजा पाठ करते होंगे। पीछे जो है वो सामान रखा हुआ है पुजारी जी का, हीटर वगैरह लगा हुआ है चाय पानी के लिए। तो ये ठीक है, मतलब अच्छा बना हुआ है मंदिर। तो कल संडे भी गए थे और मंडे फिर हम यहाँ पे गए हैं, तो संडे का क्लिप्स बाद में आएगा। तो छोटा सा प्लेटफॉर्म पहाड़ी के बीच, मतलब पहाड़ के पीछे की तरफ एकदम, इसके आगे जैन मंदिर है। और आगे चढ़ के ऐसा लगता था कि पीछे क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोच के हम लोग आए थे। और सोचने वाली बात यह है कि हस्बैंड जो यहीं के बाशिंदे हैं उनको नहीं पता था कि यहाँ कोई मंदिर है। सो सर्च कर लिया हमने एक मंदिर, और पीछे बैकग्राउंड देखिए, फ़ोटो भी हमने क्लिक कर ही लिया कि पहाड़ियों के बीच में। ज़्यादा शौकीन नहीं है फ़ोटो वोटो के, पर ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ द संडे। एक दिन पहले हम लोग मार्केट गए थे, जो मैंने बताया इवनिंग में। तो ये आजकल नया पानीपुरी वाला कंसेप्ट चला है, डिफरेंट टाइप्स के वाटर वाला, लहसुन का, हाजमा राजमा, पता नहीं क्या क्या मसाले वाला, मतलब अलग अलग तरीके के पानी थे। और जिससे खिला रहा था उसमें कड़छी में छेद किया हुआ था, ये नहीं कि हाथ डुबो के खिला रहा है पानी में। बट ये था कि अगर प्रिकॉशन लेके ग्लव्स पहनता तो और अच्छा था। बट ये दो हैं, एक और बैठता है पानी पूरी वाला, वो ग्लव्स पहन के बनाता है। और देखिए जीरा लहसुन, अलग अलग तरीके के पानी थे। एंड ये था दिन वो जो हमने खोजा था, ये सोन नाड़ी बोलते हैं इसको। यहाँ पानी इकट्ठा होता है, बीच में आप सेंटर में एक पेड़ देख रहे हैं। जब बरसात खूब तेज आती थी तो पूरा भर जाता है। और हम जहाँ खड़े हैं वॉल, पहले ये वॉल इतनी नहीं थी, प्लेन सरफेस था, तो उस दौरान भर जाता था, तो लोग नहाते धोते कई बार मिसहैपनिंग हो जाती थी। और वो जो सामने देख रहे हो मंदिर जैनियों के, इसके आगे पूरा जाके पीछे पड़ता है वो। और ये पहाड़ी, एक बार मैंने शायद ब्लॉग में किसी दिखाया था, इन पहाड़ियों पे वो ईश और गवर छोड़ते हैं, जो आता है अप्रैल में आसपास, ईश गवर का फेस्टिवल। ईश गौरी का रूप है और ईश शिव जी का। और ये जो मैंने बताया कई बार कि एक गढ़ मंदिर है, पीछे देख रहे हैं आप, गढ़ मंदिर की वॉल है ये पूरी, पीछे की साइड है। और हस्बैंड जो है कई बार बताते हैं कि यहाँ से उतर के वो आते थे कई बार, मतलब होते ना एक वो बच्चे वाली एज उसमें, तो ट्रैकिंग समझ लीजिए, ट्रैकिंग करते होंगे बचपन की, तो क्या ट्रैकिंग, पर ट्रैकिंग के लिए किया जा सकता है यहाँ पर। तो अच्छा मौसम था और फ़ोटो वगैरह का जो मोह वो छूटता नहीं है। और सबसे बड़ी यहाँ शांति बहुत थी, मतलब एकदम कूल लग रहा था, तो वो मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा था। और ये जो मैंने सूट पहना ना, ये साड़ी का बनवाया है, पर इसके नीचे सेम इसी कलर में एक लहंगा भी बनवाया मैंने, तो वो मैं कभी दिखाती हूँ। इसमें तो एकदम लाइट चली गई है और क्या लग रही है, बाहर आना पड़ा है, अंदर बहुत ठंडा हो रहा है, यहाँ पे गर्म है और लाइट अच्छी। और देखिए ये अक्कू पिताजी बनी हुई, इसको थ्रेडिंग करवाने जाना है तो इसको शेप देना है प्रॉपर, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। तो अच्छे से शेप देके इस बार इसको कवर अप करना है एनीवेज। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर, कमेंट, आपकी सब कुछ मर्जी आपकी है, बट इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, कुछ अच्छा सा ढूंढते हैं, कुछ अच्छा सा करते हैं, तो देखते हैं। एनीवेज, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोज़ देखते रहेंगे, सजेशंस देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।